मैंने स्वयं को कान में होले होले कहा है कि मेरी बात उम्मीद करते हूँ आप सब लोग फ्रेश खड़े स्वयं गेलरा के प्रोग्राम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी धूप आज भी फिर निकली है, तो अब तो जुड़ाना धूप निकलती है, तो मुक गए हैं धूप भी। पता नहीं सुबह सुबह होता है 11 बजे होता है 12 बजे 1-2 बजे धूप निकल आती है। तो अम्मी देख सकते हैं आज लकड़ी बना रही है, तो आज हम खास चीज़ बना रहे हैं, तो वो अभी हम आपको किचन में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अभी मैं लकड़ी उठाती हूँ, किचन में चलती हूँ और श्वेब के कपड़े मैंने धो के यहाँ पे खड़ाए हुए हैं। फातिमा ये भी लेकर आना। तो अभी हम किचन में चलते हैं। अम्मी ने मैं तो चली गई थी, अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ कपड़े फिर उतार के आओ। मुझे पता नहीं था कि अम्मी खुद उतारेगी, पहले तो अम्मी खुद उतारती। कल परसों मैं उतारा था, कल अम्मी ने उतारा था, क्योंकि सुहाना तो इसे धो के चढ़ाने पड़ते हैं। एक वो खेलने जाता शाम को आता है, सुबह को पता नहीं कहाँ से मैं मैच खेलने जाता, शाम को आता है कपड़े देखे इतने मैले होते हैं। तो अम्मी ने उसने 2-3 बार कहा है कि मैले मत करके आ जा करें, तो फिर भी क्या करें, वो भी बस एक खेलने चलता है, कुछ नहीं होता। चलो अंदर किचन में चलते हैं। तो पहले बस हम किचन में पहुंच चुके हैं, तो आज हम बना रहे हैं, आपको ये नज़र सब आ रहा होगा कि क्या बना रहे हैं। आज हम सफ़ेद मटर पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और मुझे भी ज़्यादा पसंद था और श्वेब को भी। तो क्योंकि आज श्वेब ना सब अम्मी ने श्वेब को कहा था कि जाओ मटर ले आओ, आलू पड़े हैं, हम मटर आलू बनाते हैं। तो मैंने देखा है चावल पड़े हैं, मैंने श्वेब को कान में होले होले कहा है कि अम्मी को पता नहीं है, तुम्हारी बात मानते हैं मेरी बात नहीं मानते, तुम कहो कि चावल पड़े हम चावल बना देते हैं। तो श्वेब ने गया अम्मी को कहा कि मैं अम्मी को भी बाद में बताया जब मटर लेके आया है, अम्मी को कहा अम्मी हम सब्जी नहीं बनाते, आज हम मटर पुलाव बना देते हैं, फिर कभी धूप भी नहीं निकलती, आज निकल गई है, आज हम मटर पुलाव बना रहे हैं। हाँ, हमारे काफ़ी बहन भाई भी यही पूछ रहे थे कि आप चावल नहीं बनाते, तो फिर शोएब भी जिद करने लग गया, तो आज हम चावल बना रहे हैं। क्योंकि तो आलू मैंने कुछ काट के रखे हुए हैं, ये देखेंगे अगर कम पड़े तो फिर ये दोनों भी काट लूँगी। और फातिमा ने मटर निकाल रही है और मैंने प्याज भी काट रखे हैं। और फातिमा के काम देखो, फातिमा और शोएब ने आज प्लान कैसा बनाया है, मुझे मतलब कि इसने कहा है कि अम्मी को पता नहीं चलेगा। वैसे मैं शोएब की भी कोई बात नहीं टालती और फातिमा के भी, और बाकी की सब फैमिली भी कह रही थी, तो मैंने कहा चलो सब कह रहे हैं तो बना लेते हैं चावल। क्योंकि अम्मी को भी थोड़ा दिल कर रहा था, मैं बताती नहीं है इसको, दिल करता है कहता है खर्चा ना भी हो, हम गरीब लोग हैं ना इसलिए कहते हैं खर्चा ना हो, इसे बताती नहीं, इसका दिल पकड़ता जरूर है, मुझे ये पता है। अच्छा, सब फैमिली कह रही थी तो हमने कहा चलो चावल बना लेते हैं। हाँ, वैसे सब्जी बनाते तो फिर सब्जी भी मुझे बहुत पसंद है, आलू मटर ज्यादा शौक से मैं आलू मटर खाती थी पहले भी गर्मी, क्योंकि हम ज्यादातर चावल नहीं बनाते, महंगे बहुत ज्यादा है ना। वैसे फातिमा जो कह रही है ना, खर्चा ज्यादा हो जाता है इसीलिए, क्योंकि ये चावल भी छोटा चावल है, मतलब के वाले चावल रखे हुए हैं अंदर है ना। हाँ, मैंने जल्दी भिगो के रख दिए थे, वो जो बधाए चावल होता है, इतनी फुर्सत तो हमारे पास नहीं है कि वो बधाए चावल ले सकते, तो कुछ नहीं होता, इससे भी अच्छे ऐसी बिरयानी मटर मटर पुलाव बनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बनेगा देखना। आप देख सकते हैं हमने सारा सामान काट भी लिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और टमाटर भी, मिर्चा भी, मिर्चे तो ऐसे डालेंगे साले में, और जो वो बारीक मिर्चे हैं वो तो मसाले में डालेंगे। तो मटर भी हमने निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं चावलों को बॉस भी आ गई है, तो अभी इनका ढक्कन ऊपर दे के रख देते हैं इनको।
पान डाल दिया है तो फिर ये चावल डालेगी, तो फिर इसके बाद आलू डालेगी। तो अभी मैं पानी भर के आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो पहली बार आप देख सकते हैं अभी मैं बाहर आया हूँ, तो माशाल्लाह से आज भी काफ़ी धूप निकली थी, तो सुबह सुबह तो धुंध आया हुआ था। तो ये देखें, मैं सरसों के फूल के नीचे आया हूँ। तो आपने हमारी वीडियो को वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। तो माशाल्लाह से काफ़ी धूप निकली हुई थी, तो ये देखें बाहर के सरसों के फूल माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो आलू भी डाल दिए हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। पानी को उबाल आएगा तो फिर चावल डाल देंगे। मम्मी चावल ढंग लगा रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी भूख लगी हुई थी ना, इसलिए खाने के लिए थोड़े से निकाले अम्मी को, कहा कि थोड़े से निकाल दे मुझे। ये चेक करें ठीक है कितने गले हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी आज। अभी तो इसमें थोड़े मटर नहीं है, इतने सारे तो मटर डाले हैं जो उसमें है, मुझे तुमने नहीं दिए। हाँ मैंने अभी निकाल के तुम्हें नहीं दिए, दम लगा लूँ फिर जब खाओगी तो फिर निकाल दूंगी। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, और बच्चे भी आ गए हैं, शुएब भी आ गया है, फातिमा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से को भी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बने। ऊपर से मिर्च है और फिर मटर पुलाव बना हुआ है। तो आज ने आप तो पहली बार आज आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आप पी रहे हैं तो दादा जान को भी बुलाते हैं। चावल बहुत ही मजे के बने हुए हैं, चावल खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। शेख और मैंने प्लान बड़ा अच्छा बनाया है ऐसे ना। आज तो इनका प्लान कामयाब हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो अभी शुएब के दादा जान भी आ गए हैं और शुएब भी सब शुरू कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, मज़ेदार। फिर ने मिर्च भी फेंक दिया है इस बीच में। हाँ आहिस्ता तक ना, गरम गरम है अभी, थोड़े ठंडे हो जाए। अभी हमने चावल जो बनाए थे पूरी फैमिली ने खा लिए हैं, और बर्तन भी मैंने रख दिए हैं। शाम भी हो गई है, ये देखें हल्की हल्की धुंध भी आना शुरू हो गई है। तो वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।